हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट टू। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है, प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच यूज इन स्टेड ऑफ एनी नाउन। यानी कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम वो शब्द है जो कि किसी नाउन यानी कि संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके टोटल 10 काइंड होते हैं। पहला, पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके कुछ एग्जांपल हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी और भी कई सारे हैं। फिर दूसरा इसका काइंड आता है इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसका एग्जांपल है इट। तीसरा प्रोनाउन है एम्पैथिक प्रोनाउन, यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसका एग्जांपल है माई सेल्फ। चौथा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। इसका एग्जांपल है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और भी कई सारे। पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका एग्जांपल है व्हाट, वेयर, हु, व्हाई। और ये जो मैंने आपको भी एग्जांपल दी है, ये सारे के सारे जब किसी भी सेंटेंस यानी किसी भी वाक्य के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं तब वहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और छठा है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। इसके एग्जांपल है व्हाट, वेयर, व्हाई। यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने दिए, ये सब जब किसी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, किन्हीं दो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं और उनको जोड़ने का काम करते हैं, तब वहाँ पे होता है रिलेटिव प्रोनाउन। सातवां है इनडिफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एग्जांपल है सम, फ्यू, मैनी, ऑल एक्सेट्रा। आठवां है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। इसके एग्जांपल है दिस, डैट, डीज, डोज। नाइन्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। इसका एग्जांपल है ईच, एवरी, नाइडर, इडर एक्सेट्रा। और टेंथ है रेसिप्रिकल प्रोनाउन, यानी कि परस्पर वाचक सर्वनाम। इसका एग्जांपल है ओनली, ईच अदर एंड अनदर। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपका पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट टू यानी कि प्रोनाउन सर्वनाम के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहें तो आप मेरे को कमेंट में और भी नए नए टॉपिक बता सकते हैं। और मिलते हैं जल्दी किसी और नए टॉपिक से, किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।